हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, आर के पेट में आपका स्वागत है और सबको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे से दशहरे मनाइए, दीपावली की तैयारी कीजिए। आज मैं फुल इन्फॉर्मेशन जर्मन शेफर्ड के बारे में बताने के लिए आया हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप लोग, ताकि मैं अच्छे से आप लोग को जितना मैं जानता हूँ, मैं अपने डॉग को जितना तैयार करता हूँ जैसा, तो मैं आप लोग को एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो बहुत कोई पूछते हैं कि भैया मैं जर्मन शेफर्ड को कैसे रखूँ, क्या करना है मुझे, क्या खिलाना है, तो सब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों में सारी चीज़ बता दूँगा। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं जर्मन शेफर्ड लगभग, वो तो पॉपुलर डॉग है, आप जानते हैं, मेरे पास भी लगभग कॉल आती है, लगभग 100 में 70% कॉल जर्मन शेफर्ड के लिए आती है। जर्मन शेफर्ड में आप डबल कोट, लॉन्ग कोट आती है, लॉन्ग हेयर, कलर में तो बहुत सारे कलर आते हैं, ब्लैक एंड टैन, रेड एंड टैन, चेस्ट में वाइट होती है, तो प्योर है, चेस्ट में वाइट आ जाती है कभी कभी, कभी कभी आप देखिएगा तो उसके पॉज में भी वाइट होती है, तो नहीं है वो नकली नहीं है, वो प्योर ही है। बाकी का मैं बताता हूँ जर्मन शेफर्ड के बारे में आपको, कि जर्मन शेफर्ड लगभग एक महीना तक लगभग वो बॉर्न हुआ उसके दिन से लगभग एक महीना 25 डेज में आप उसे डिवॉर्मिंग कीजिएगा। 25 डेज से 30 डेज में आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। बहुत सारे, यानी कि आप बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल में देखिए तो 20 डेज में भी किया जाता है, बट है कि अकॉर्डिंग कौन सा पपी को कैसा सूट करता है मेन। जैसे कि हम खाते हैं वह पैरासीटामोल, नॉर्मली जो दवा है हम खाते हैं पैरासीटामोल, फिर कोई और खाते हैं तो उसके सूट नहीं करता, तो ठीक नहीं होता है, लेकिन वो कोई और दवा से सूट करता है, या तो कोई पैरासीटामोल में ही ठीक हो जाता है। उसी प्रकार डॉग में भी होते हैं, तो वो है कि डिवॉर्मिंग 25 डेज से 30 डेज में मैं कर देता हूँ। वैक्सीनेशन एक आता है पपी डिपो करके, तो उसे भी मैं लगा देता हूँ, तो वायरस से बचाता है। मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है जर्मन शेफर्ड का, वो लगभग होता है 40 डेज से 45 डेज जो बूस्टर लगता है, जिससे हम ऐसे नॉर्मली भाषा में मेगावेक 7, वो कंपनी आता है, वायवर कंपनी आता है, नोविक कंपनी आता है, तो आप उससे कर सकते हैं। और जैसा कि है कि वो बूस्टर आता है 7-in-1, 9-in-1, 6-in-1, DHPPI करके भी बोला जाता है, तो वो सारे वैक्सीनेशन है बूस्टर जिसे बोलते हैं, फर्स्ट बूस्टर, सेकेंड बूस्टर, दो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बूस्टर लगाते हो। 3 बूस्टर भी लगा सकते हैं, 20-20 डेज करके 3 बूस्टर, या तो फिर 30 डेज करके 2 बूस्टर, तो वो कर सकते हैं आप। और मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी जो फीडिंग है, डिवॉर्मिंग हो गई, वो आपको लगभग 25 डेज में किया, बूस्टर लगा, फिर आप लगभग उसके 15-20 दिन के बाद फिर से डिवॉर्मिंग किए, फिर से बूस्टर लगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट रेबीज लगा दी 20 डेज या फिर 15 डेज के बाद। 3 महीना के अंदर में आपका फर्स्ट रेबीज लगा, 3 महीना के बाद आपका सेकेंड रेबीज लगा, वो कर सकते हैं। बूस्टर डॉग को बचाने के लिए, कि डॉग में कोई वायरस ना आए, वो अच्छे से रहे, आप भी चाहते हैं कि मेरे डॉग अच्छे से रहेंगे, इसलिए उसको लगाना जरूरी, बहुत ज़रूरी है। सेकेंड बूस्टर भी वही काम करता है, गैपिंग नहीं होना चाहिए ज़्यादा, रैबिज वो हमें बाइट करे उससे बचने के लिए रैबिज लगाया जाता है, कि हमें कुछ ना हो इसलिए डॉग को लगाया जाता है, या फिर दूसरे डॉग भी उसे अगर बाइट कर देते हैं तो उसे प्रॉब्लम हो तो उसे वो भी बच जाते हैं। तो ये हो गया, तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको। और है कि हमारा जो फीड में मैं आपको बताना चाहता हूँ फीड के लिए, तो फीड आप लगभग जब 30 डेज या 40 डेज में आप परचेस कर रहे हैं अपने पप्पी को, तो कम से कम 4 टाइम फीड दीजिएगा लगभग, आप जो भी फीड देना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास जो बजट है आप कर सकते हैं, रॉयल कैनन, साइंस डाइट, अभी नया एक आपका कंपनी आया है फर्मीना करके बोल के आया है, जो तीनों ब्रांड का जो प्राइस होता है थोड़ी कॉस्टली होती है, तो इसी भी आप दे सकते हैं, बेस्ट वो हेल्थ और बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। नहीं तो फिर आप पेडिग्री प्रो, वो आप परचेस कर सकते हैं, पेडिग्री प्रो को कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी है, तो ये सब कर सकते हैं, आपके बजट पे जो आती है बस आप कर सकते हैं। पेडिग्री प्रो सबसे कम में आती है,
फिर बाकी स्मार्ट हार्ट सब भी आती है, नॉर्मली वो आती है। तो मैं चाहता हूँ कि स्मार्ट हार्ट सब ठीक है, वो बॉडी बनाने के लिए मेन होता, मोटा करने के लिए पतला अगर है तो डॉग, लेकिन पेडिग्री प्रो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेडिग्री प्रो अगर खिलाइएगा तो बेस्ट है। फिर आपका बजट अगर है आपके पास बजट, तो आप रॉयल कैनन साइंस डाइट करके खिलाते हैं, हमारे यहाँ साइंस डाइट मिलता है तो आप चला सकते हैं। और बाकी आप फर्मीना करके एक है, वो फूड भी आप कर लीजिए। वो भी कॉस्टली आती है, उसकी हर फ्लेवर आती है। जैसे कि मेरे पास थी सैंपल, तो मैं सारा को डॉग लोग को खिलाया था, तो ऐसे में है कि आप कर सकते हैं। और फिर जैसे कि फीड उसका बढ़ाते जाना होगा, 2 मंथ फीड बढ़ेगा, 4 टाइम बॉडी बनेगा, 3 मंथ फूड बढ़ेगा, डिवॉर्मिंग किया जाएगा, सब किया जाएगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है फीड के साथ आपको एक्सरसाइज। 50% फीड है बॉडी के लिए, 50% एक्सरसाइज। रनिंग जितना करेगा डॉग आपका, आपका डॉग वैसा ही बनेगा। बाकी तो पेरेंट्स पे ही जाएंगे, बट है कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज एकदम अच्छा होना चाहिए। जितना एक्सरसाइज करेगा डॉग वैसे ही बनेगा, नहीं तो ज़्यादा फीड करने से भी डॉग को या पपी को प्रॉब्लम की हो जाती है, उसकी लीवर डैमेज हो जाती है, हार्ट पे प्रॉब्लम आती है, तो चीज़ बहुत दिक्कत होता है जो एक्सरसाइज नहीं करने पाते। बट उसको है कि आप सुबह शाम या फिर जितने हो सके एक्सरसाइज करवाइए, वो तो बहुत अच्छा। और सिखाने से तो वो कुछ भी सीख जाता है। हमारा डॉग को मैंने तो ट्रेन किया हूँ, लगभग वो छिटकनी में लगा देता है, गेट का जो लॉक होता है उसको लगा के मैं चला जाता हूँ, तो वो लॉक तक खोल देता है, तो सिखाने पर डिपेंड कर देता है। और फिर उसके बाद है कि डबल कोट ले रहे हैं तो उसकी हेयर फॉलिंग कम होती है, लॉन्ग कोटेड की थोड़ी ज़्यादा होती है, बट आप केयर कीजिएगा, आप उसको ग्रूमिंग कीजिएगा तो बहुत अच्छा है। नहाना है बच्चे को, अगर नहलाना है तो लगभग 3 महीने से पहले ना कीजिए, उसको पाउडर और बाकी चीज़ से बचाइए, पोंछ के रखिए अच्छे से। पानी से खेलता बहुत उस टाइम, बहुत वो हम लोग जिसे बचपन में करते हैं तो ऐसा ही वो भी बचपन में हम लोग पानी से खेलते थे, हमारी मम्मी लोग मना करते थे, पप्पी भी वही से करता, वो खेलता है पानी से, मिट्टी से खेलेगा वो चीज़। और वो एक्सरसाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी आपका डिवॉर्मिंग भी अच्छी होनी चाहिए। डिवॉर्मिंग में है क्या कि डिवॉर्मिंग से ग्रोथ खाता है मेन, जो कीड़े होते हैं वो ग्रोथ ख़त्म करते हैं पपी के, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा डिवॉर्मिंग। और अगर मिट्टी खाता है डिवॉर्मिंग के बाद भी, तो फिर मल्टी विटामिन वो तो चलाना, मल्टी विटामिन, कैल्शियम, अगर कोट को बचाना है तो ओमेगा 6 आता है, ओमेगा 3 आता है, आप उसे परचेस कर सकते हैं। उसे आप लगभग 2.5 2.5 सुबह शाम करके आप दे सकते हैं, तो कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी और विटामिन मल्टी विटामिन आपका प्रोबीबूस, जिसका रिजल्ट मैं तो देखा हूँ बहुत अच्छा है, कैल्शियम में पेट कैल करके आता है वो भी अच्छा है, एडवांस ओमेगा 6 स्किन कोट के लिए आता है। ये बाकी बात जैसे ग्रूमिंग कीजिए आप हमेशा उसको, 3 महीना तक तो आपको लगभग बच्चे को बचाना है सब डॉग से या फिर बाहर कुछ खाने से बचाना है। बाकी बात अगर वो वोमिटिंग या फिर लूज मोशन होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, फीड बंद कर दीजिए, नॉर्मल आप उसे रोटी दे सकते हैं, या तो फिर कोई छोटे बच्चे की अगर अगल बगल शॉप नहीं है इमरजेंसी में तो छोटे बच्चे की आप कोई भी सिरप आती है उसको पिला दीजिएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो फिर ओमेगा क्या बोलते हैं, मेगा स्टॉप करके आता है, जैसे कि हमारे पास है मेगा स्टॉप करके, तो मैं उसे दिखा सकता हूँ एक बार, ये आप जिसे देख सकते हैं इसको, आप ये आप देख सकते हैं, तो ये मेगा स्टॉप आता है, तो ये मेगा स्टॉप आप देख सकते हैं, ये है लूज मोशन के लिए बहुत अच्छा दवा है, तो आप इससे परचेस कर सकते हैं। बाकी बात हमारे पास है, जैसे कि मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये प्रोबीबूस होता है, मल्टी विटामिन होता है, ये भी बहुत अच्छी होती है, आप देख सकते हैं इसे, प्रोबीबूस बोला जाता है, ये भी बहुत ही अच्छी होती है। बाकी बात आप फीड में भी आप एक बार देख, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हमारी फीमेल पप्पी सो रही है, यहाँ पर सो रही है फीमेल पप्पी हमारी, ये हमारा फीस, ये देख सकते हैं ये है हमारा फीस है। बाकी बात इसका फीड जो मैं आपको बता रहा था कि आप
फर्मीना करके आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का पैकेट आता है फर्मीना का, आप देख सकते हैं ये हर फ्लेवर में और सब चीज़ के लिए अलग अलग आता है। जैसे कि ये स्टार्टर है, ये स्टार्टर आप यूज कर सकते हैं, आप इसको देख लीजिए इसका क्या है, तो ये कर सकते हैं। फिर बाकी ये पप्पी है, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी, इसकी रिजल्ट भी मैं यूज किया हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये, वैसे ज़्यादा नहीं है बट बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी फूड लीजिए, आप एक्सरसाइज बेस्ड होना चाहिए, एक्सरसाइज में ज़्यादा अच्छा होता है वो, तो वो करा सकते हैं आप। और फिर है कि आप एक्सरसाइज के साथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है डिवॉर्मिंग भी, साथ में बहुत अच्छे डिवॉर्मिंग होती हैं। फिर है आपका इसको तो फिर वैसे ही रख सकते हैं। तो आप है कि मेन तो आपका डिवॉर्मिंग सबसे पहला, फिर बूस्टर मोशिस्ट इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद आपकी आती है फीड और एक्सरसाइज, ये तो आपको करना ही, एकदम एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज एकदम आपको करना ही करना है। तो ये वह जर्मन से फट की और फिर वो तो धीरे धीरे आपका बहुत अच्छा केयर करने लगेगा, एकदम क्या बोलते हैं, अगर आप उससे अच्छे से रखिएगा तो कि बहुत कार्य, जैसे बहुत मुझे कॉल करते हैं कि भैया कौन सा डॉग मुझे रखना है, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपके लिए कौन सा डॉग अच्छा हो सकता है, आप फर्स्ट टाइम ओनर के लिए कौन सा डॉग ज़्यादा बेस्ट है। बहुत कुछ बोलते हैं कि मुझे पिटबुल चाहिए, फर्स्ट ओनर पे पिटबुल चाहिए, रॉटवाइलर चाहिए या फिर डोबरमैन। तो देखिए एग्रेसिव तो सारे डॉग होते हैं, ठीक है, एक मैं बताता हूँ, एग्रेसिव सारे डॉग होते हैं, अगर आप इंसान को भी प्यार नहीं कीजिएगा तो वो भी पागल हो जाएगा, वो भी चाहता है कि मुझे भी प्यार करे कोई, तो वो भी एकदम गुस्से हो जाएंगे, तो वो भी एग्रेसिव होते हैं। और वैसे हमारा जो पप्पी है उसको भी अगर हम, डॉग को भी अगर हम प्यार नहीं करते तो वो भी एग्रेसिव होना ज़रूरी है। तो इसलिए दोनों को, पप्पी को भी ये प्यार कीजिए और इंसान तो अभी इंसान है तो अब सबको प्यार कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि डॉग को भी आप बहुत प्यार कीजिए, जिससे कि आपका डॉग भी अच्छे से रहे, बहुत सुंदर सा रहे। हमारा तो अभी यहाँ पर डॉग्स को मैं दिखा सकता हूँ आप, ये देखिए ये मेरा मैक्स है, ये अभी इसकी एज लगभग आपको दिख नहीं रहा ठीक से, ये अभी अंधकार है, तो इसकी एज लगभग लगभग अभी 13 ईयर है, ये हमारे बूढ़े दादाजी है। तो चीज़ है ये अभी दिख नहीं रहा ठीक से, अंधकार में ये सो रहा है, तो ये 13 ईयर हो गया इसका एज। और बाकी हमारी प्रिंसी जो जर्मन की फीमेल, ये यहाँ सो रही है, आप देख सकते हैं। ओए ओए मोटू प्रिंसी, यहाँ पे ये हमारी प्रिंसी है, अभी बहुत नींद में है, बस यही है। बाकी बात आप देख सकते हैं, हमारा फीस छोटा था, अब मैं फीस को भी दिखा देता हूँ आपका, ये फीस है, फीस हमारा तो वही है कि जर्मन शेफर्ड को आप अच्छे से रखिए, केयर कीजिए, तो आप अच्छे से प्यार कर सकते हैं, जर्मन शेफर्ड को अच्छे से रख सकते हैं। और बाकी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिख के, कि कैसा कैसा उसका टाइमिंग है, और जिनकी लोगों को भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझसे कॉल कर सकते हैं, मैं एनी टाइम आपके साथ रहूँगा। बट अभी मैं थोड़ा सा चेन्नई कल जा रहा हूँ, तो तब की थोड़ा सा मैं कॉल भले रिसीव नहीं कर पाऊँगा, बट एक जिसे मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। नवंबर दिसंबर में आप कर सकते हैं हमारे साथ, कॉल कर सकते हैं। अभी हमारा लैब्राडोर एक है मेरे फ्रेंड, उसके लैब्राडोर दिए हैं, तो उस बच्ची का भी मैं डालूंगा, अभी जर्मन शेफर्ड भी मेरे फ्रेंड के पास गया, या मैं बॉर्न हुआ था बच्चा, तो उसको भी मैं केयर करने के लिए गया था, तो आप कर सकते हैं। तो यही है कि जर्मन शेफर्ड अगर लेना आपको तो मेरे इस वीडियो को पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा तो ताकि मेरा प्यार बढ़ता रहे और आपका प्यार मुझे मिलता रहे, इसलिए। तो सब हमको फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं, कि आप लोग अच्छे से दशहरे घूमिए, अपने फैमिली के साथ घूमिए, बाहर जाइए, दीपावली अच्छे से मनाइए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, सब हमको बाय और गुड नाइट। 14 मिनट का है, बन गया बन गया बन गया, दारे, दारे। 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 दारे।